अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फैमिली में आप सभी को वेलकम है। अलविदा जुम्मा आप सभी को मुबारक हो। तो आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े और कुछ सारे भजिए और इफ्तारी। हम आज इफ्तार पार्टी है हमारे घर पर, तो मम्मा बोलिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अलविदा जुम्मा मुबारक हो आप सबको। आज हम कुछ कुकिंग डिश नहीं बना रहे हैं, आज हमारे घर पे इफ्तार पार्टी है, तो हम सोचे कि और ये ब्लॉग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बना रहे हैं कुछ ज़्यादा से भजिए बनाएंगे, आलू भजिए, टमाटर, एग भजिया बनाएंगे और दही बड़े ज़्यादा से ज़्यादा दही बड़े बनाएंगे। आप लोग हमारा ब्लॉग देखिए और लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। अब हम ये आलू भजिए बना रहे हैं, इसके लिए हम इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल रही हैं। ये रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च है, मोटा मोटा धरधरा सा कुटा हुआ, हम वो मिक्स करेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज नहीं करेंगे, इससे भजिया में टेस्ट अच्छा लगता है। ये हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर और ये हाफ टी स्पून इसमें हम सोडा ऐड करेंगे। वन टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, छोटा स्पून है, और इसमें हम हाफ टी स्पून इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। Few moments later, तब हमारा मिलकर तैयार है। अब इसको हम एक घंटे के लिए बाजू साइड में रख देंगे भीगने के, ताकि बेसन अच्छी तरह से भीग जाए। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, लेकिन हम भजिए तलते वक्त डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। चलिए अब हम दही बड़ों का बेसन मिलाते हैं। चलिए अब हमारा भजियों का बेसन तैयार है, अब हम इसमें दही बड़ों का बेसन मिक्स करेंगे। अब इसमें दही बड़े देखिए हमारा 250 ग्राम है, भजियों के लिए हम 250 ग्राम लिए थे, दही बड़ों के लिए हम 250 ग्राम लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हम सोडा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर दी है, 1 टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हरा धनिया भी ऐड करना है, हम भजिए तलते वक्त उसको हरा धनिया ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। ये दही बड़ों का हम तैयार करके बाजू रखेंगे। अब हमारे एक चूल्हे पे दाल गल रही है, चने की दाल। ये रमजान स्पेशल, रमजान में भी बहुत शौक से खाते हैं चने की दाल, उबली हुई चने की दाल, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। Few moments later, ये दोनों बेसन हमारे भीग के तैयार है, ये दही बड़ों का है और ये भजियों का है, और हमारे चूल्हे पे दाल उबल रही है। और अब जब तक हम दाल उबले तक दही बड़ों का दही मिक्स कर लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारी दाल उबल के तैयार है। ये देखिए ये आधा किलो दाल भिगाए हैं हम, ये दाल उबल के तैयार है, अब हम दही मिक्स कर लेते हैं। चलिए हम दही बड़ों का दही तैयार कर रहे हैं। इसमें हाफ टी स्पून ही हम नमक लेंगे, नमक हम कम लेंगे क्योंकि हमने बेसन में भी नमक मिक्स करा है। 1 टी स्पून हम ये लाल मिर्च लेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च पाउडर लेंगे, सॉरी। इसमें थोड़ा सा हम ये हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। आपको गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, कोई ज़्यादा गाढ़ा पीते हैं दही बड़ों में, कोई पतला रखते हैं, हम मीडियम रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे। ये देखिए हमारा दही बनकर तैयार है। अब इसमें हम बघार डाल लेते हैं। चलिए ये हमारा बघार, हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें बघार डालेंगे।
किया। हम इसमें राई ऐड कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। राई अच्छे से पकने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालते हैं। अब ये ठंडा होने के बाद हम इसमें बगार की मिर्च और करिया पत्ता डालेंगे। ठंडा होने के बाद डालेंगे। चलिए अब इसमें हम थोड़ी बगार की मिर्ची और करिया पत्ता। Few moments later। चलिए बगार हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम दही में बगार डाल लेते हैं ठंडा होने। बगार डालने के बाद हम भजिए डालेंगे। हम डायरेक्ट घी में इसलिए डाले कि हमारे भजिए ज्यादा है, इसलिए हम नहीं डाल सकते। भजिए तलने के बाद हम ऊपर से भजियों के ऊपर दही डालेंगे। Few moments later। हमारी ग्रेवी तैयार है। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम नींबू का जूस डालेंगे इसमें और ये थोड़ा हरा मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माहे रमजान सलाम। ये हमारे हैदराबादी दही बड़े बनके तैयार है। चलिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।